Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam, because in this video I'm going to discuss about the detailed form filling process of SNAP. Guys, काफी लोग का पिंग आ रहा है रिगार्डिंग दिस, काफी लोग का फॉर्म फिल करने में डाउट आ रहे हैं. तो ये वीडियो में आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और क्या क्या आपकी क्वेरीज आपके माइंड में चल रही है, सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी. तो बिल्कुल पेशेंटली ये पूरा वीडियो देखना, उसके बाद ही अपना स्नैप का फॉर्म फिल करना. बिकॉज जो कॉलेजेस के लिए आप पेमेंट करते हो, काफी बार लोग गलत कर देते हैं, जल्दीबाजी में काफी कॉलेजेस में टिक कर देते हैं, तो वो सब मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से कॉलेजेस डिसेंट हैं, स्नैप के कई कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज डिसेंट हैं और फिल करने चाहिए, वो मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा डाउट्स. तो चलो गाइस, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड एंड नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं. गाइस, हम लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं. ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं. गाइस, ये पहला पेज है वेबसाइट का. जब आप snaptest.org में जाते हो तो आपको ऐसा पेज दिखता है. ठीक है, यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ में क्लिक करना है. ऑलरेडी सर्किल कर रखा है मैंने. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुल के आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे गाइस स्नैप की आईडी एंड पासवर्ड को मांग रहा है, बट आपका अभी है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर में क्लिक करना है. आप यहाँ पे क्लिक कर दो. जब इसमें आप क्लिक करोगे तो क्या पेज खुल के आएगा, ये पेज खुल के आएगा. यहाँ पे गाइस आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है. तो अपना नेम बहुत अच्छे से लिखना, जो आपका नेम एग्जैक्टली 10-12 की मार्कशीट में वही नेम लिखना है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि तो ये चीजें चेंज नहीं हो पाती हैं. डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही से लिखना. ठीक है, प्रोवाइड वैलिड नंबर, ईमेल आईडी एज ओटीपी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू दिस नंबर. ईमेल आईडी एंड अपना नंबर बहुत सही से लिखना, बिकॉज ईमेल में आपका आईडी पासवर्ड आता है स्नैप का. ठीक है, और ओटीपी आपका आता है उसमें, मेल में भी आता है और फोन नंबर में, मोबाइल में भी आता है. तो गाइस मोबाइल नंबर सही से लिखो अपना जो आपका चल रहा हो. ठीक है, प्राइमरी ईमेल्स और रीटाइप द प्राइमरी ईमेल, ये आप सही से लिखो. ठीक है, उसके बाद कैटेगरी में सेलेक्ट कर लो गाइस आपकी जो भी कैटेगरी हो. नेशनलिटी में आप इंडियन डाल देना. ठीक है, ये आपका हो गया. यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पेज में. अब गाइस आर यू एन एनआरआई कैंडिडेट, तो नो डाल देना. ठीक है, बाकी अपने अकॉर्डिंग देख लेना. अब गाइस स्नैप टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है. इसमें गाइस आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको कितने बार एग्जाम देना है. जैसा मैंने नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बताया था कि आप स्नैप एग्जाम वन टाइम दे सकते हो, टू टाइम दे सकते हो, या ऑल थ्री टाइम दे सकते हो. तो यहाँ पे आपको टिक करना है चेक बॉक्सेस में. अगर आप तीनों बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जो बोलोगे आप उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, तो सही से यहाँ पे फिल करना अपना. ठीक है, तो जब यहाँ पे आप टिक कर दोगे जो भी, उसके अकॉर्डिंग आपका स्नैप टेस्ट की अवेलेबिलिटी के सेंटर्स पूछेगा वो. नेक्स्ट स्लाइड में है ये. तो जैसे मैंने 3 बार टिक किया था, तो मेरा 3 बार, वो तीनों बार का सिटी पूछ रहा है कौन सिटी में आपको एग्जाम देना है. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट निकल के आ जाएगी. तो आप लखनऊ, अगर आपको तीनों बार एक ही सिटी में देना तो तीनों बार एक ही सिटी डाल दो. जैसे लखनऊ 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 डाल दो, या दिल्ली दिल्ली दिल्ली, आपके ऊपर है. कई लोग क्या करते हैं, जॉब कर रहे होते हैं तो एक बार एग्जाम उन्होंने लखनऊ से दिया, दूसरी बार एग्जाम दिल्ली से दे दिया, तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है, उसको फिल कर देना. फिर गाइस अपनी पासपोर्ट साइज, एक क्लीन फोटो उसके यहाँ पे अपलोड करना एज पर द रिक्वायरमेंट, जेपीजी ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. एंड यहाँ पे इसको टिक कर देना. टिक करने से पहले पढ़ लो क्या लिखा हुआ है. नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फोटोग्राफ, टेस्ट डेट एंड टेस्ट सिटी, ये चेंज नहीं होगा आगे. तो बहुत ध्यान से फिर से वेरीफाई कर लो या तो. ठीक है, यहाँ पे आप एग्री कर रहे हो कि ये चेंज नहीं हो सकता है. ठीक है, तो कभी भी गैस कोई चीज टिक किया करो, पढ़ा जरूर करो. ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं करना है क्योंकि काफी पैसा लग रहा है इसमें. ठीक है, ये टिक कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं. जब आप ये टिक करोगे तो आपको ऐसा खुल के आएगा. यहाँ पे आपको एक बार और कंफर्म करने को बोल रहा है, तो स्क्रॉल कर लेना इसको नीचे और एक बार चेक कर लेना. ठीक है, कि सही से डाला कि नहीं डाला है. फिर यहाँ पे आप ओके में क्लिक कर देना. जब ओके में क्लिक करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, आपकी स्नैप आईडी आपको मिल जाएगी और ईमेल आईडी आपने दी होगी वो. ठीक है, अब गाइस इसी टाइम पे आपके पास मेल भी आ गया होगा आपका स्नैप का आईडी एंड पासवर्ड का. ठीक है, स्नैप आईडी पासवर्ड आपकी आ गई होगी. अब यहाँ पे आप क्लिक हियर टू मेक पेमेंट कर दो. ठीक है, जब क्लिक हियर करोगे, पहले मैं आपको मेल आईडी दिखा देता हूँ, ऐसा मेल आया होगा. ठीक है, यहाँ पे स्नैप आईडी और पासवर्ड आपको दिया हुआ है, तो ये आप सेव कर लो जरूर से, इसको स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि इससे आपका ओपन होगा वो. ठीक है, बाकी कुछ डिटेल्स दी गई है कि 2250 रहेगा हर टेस्ट के लिए, और एग्जाम के लिए 1000 रुपये रहेंगे हर उसके लिए, सॉरी हर एक कॉलेज के लिए, आगे बताऊंगा मैं वो. ठीक है, तो ये गाइस इस तरह का मेल आपके पास आता है. ठीक है, तो ये मेल जैसे ही आप उसको स्क्रीनशॉट लेके कहीं सेव कर लेना, एग्जाम टाइम में पैनिक नहीं होना चाहिए. अब गाइस ऐसा आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ गया. मैंने 3 एग्जाम में टिक कर रखा है दिखाने के लिए आपको, मैं 3 बार नहीं दूंगा. ठीक है, मतलब नहीं है, मैंने दिखाने के लिए शो किया है. तो 2250 * 3 तो 6750 आ गया. ये अमाउंट आपको पे करना है.
ठीक है, ये अमाउंट किसका अमाउंट है, स्नैप टेस्ट का। अभी कॉलेजेस की कोई बात नहीं हो रही है, अभी आपको ये पे करना है बस। ये आपका बेसिकली फॉर्म टाइप खुल गया आगे, ठीक है, अभी आप पे करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो जब आप पे करोगे तो ऐसा पे आपका हो गया, पेमेंट आपका हो चुका है, ये लिख के आ गया, ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल, पेमेंट हैज बीन ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, रिसिप्ट नंबर इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो अपने लैपटॉप पे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंडिविजुअली मेक ए पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज पर इंस्टीट्यूट पर प्रोग्राम। हर इंस्टीट्यूट का भी, और हर इंस्टीट्यूट में कोई अलग प्रोग्राम है। जैसे मतलब एस सी एम एच आर डी का कॉलेज है, एस सी एम एच आर डी में नॉर्मल एम बी भी होता है, एस सी एम एच आर डी में बिजनेस एनालिटिक्स भी होता है। तो अगर वो भी बिजनेस एनालिटिक्स की अलग ब्रांच मानी जाती है, तो उसका अगर टिक करो उसके लिए आपको 1000 अलग देने हैं, 1000 रुपीज। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। तो ये आपका मेल आ गया, ठीक है, मेलिंग ये स्क्रीनशॉट आपका आ गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, क्लिक हियर टू कंटिन्यू, मतलब आपका अभी तक स्नैप टेस्ट पेमेंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पेमेंट आपका हो गया स्नैप टेस्ट का। हम लोग आते हैं इसके बाद इसमें, ठीक है, स्नैप रजिस्ट्रेशन में आते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका जब पेमेंट आपका हो जाएगा, कंटिन्यू में क्लिक करोगे आप तो आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सामने आपको डिटेल्स दिख रही है। ठीक है, तो पहली कुछ डिटेल्स आपके फिल हुई, ऑलरेडी फिल कर चुके हो आप, नेम अपना ये सब कर चुके हो फिल। ठीक है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा फिर, ये तो ये एक्सपीरियंस अपना डाल देना। ठीक है, नो या यस कर देना, यस करोगे तो आपको डिटेल्स मांगेंगे, डाल देना वो। फिर एजुकेशनल डिटेल्स, 10th परसेंटेज, 12th परसेंटेज। तो क्या सी जी पी ए में अगर द कन्वर्जन टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एज सर्टिफाइड बाई द रिस्पेक्टिव बोर्ड। जैसे आपका मान लो 10th में सी जी पी ए था, तो उसको आप 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन में सी जी पी ए, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में पता करो कि कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग करना। यहाँ पे आप सब फिल कर दो। ठीक है, इन केस आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होता है, मान लो, ठीक है, कुछ इशू आता है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम नहीं आपका, तो अदर्स का ऑप्शन आएगा, वहां पे टाइप कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, ये फिल करने के बाद अब मेन काम ये है गाइस कि इतने सारे एमबीए के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक कॉलेज के कई कई प्रोग्राम भी होते हैं, तो पहली बात आपको एक्चुअली डिसेंट प्रोग्राम्स कौन से हैं वो देख लो आप। एमबीए एसआईबीएम पुणे में बाद में रैंकिंग कराऊंगा कि कौन सा नंबर वन है, एमबीए एसआईबीएम पुणे, एस सी एम एच आर डी, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, एस आई आई बी, ठीक है, जो टाइप टॉप 5 प्रोग्राम्स मैं बता रहा हूँ, एस आई बी एम बैंगलोर। तो गैस ये 5 प्रोग्राम है, कौन कौन से, एस आई बी एम पुणे ये प्रॉपर प्रोग्राम है, कोर एम बी ए जो नंबर वन माना जाता है, फिर इसके बाद एस सी एम एच आर डी कोर, जहां पे कुछ नहीं लिखा है, ऐसे सिर्फ एस सी एम एच आर डी लिखा है, ये प्रॉपर एम बी एस सी एम एच आर डी है। तो ये 2 टॉप 2 प्रोग्राम है। इसके बाद गैस अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको एस सी एम एच आर डी बिजनेस एनालिटिक्स भी आप 3rd नंबर मानता हूँ मैं, इसका पैकेज 20 लाख है। ये आपका 1st नंबर का प्रोग्राम है रैंकिंग में, ये 2nd नंबर प्रोग्राम है, ये आपका एस सी एम एच आर डी 3rd नंबर प्रोग्राम है बिजनेस एनालिटिक्स, इसका पैकेज 20 लाख के अराउंड है। इसके बाद गैस आपका आता है एस आई आई बी एंड एस आई बी एम बैंगलोर। 4th एंड 5th में आप इंटरचेंज कर सकते हो रैंकिंग को। एस आई बी एम बैंगलोर थोड़ा एस आई बी एम का नेम का टच है, तो हो सकता है आगे अगर ब्रांड का फायदा मिले आपको, तो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ एस आई बी एम बैंगलोर ओवर एस आई आई बी, बट पैकेज वाइज अगर आप देखोगे तो शायद आपको एस आई आई बी दिखेगा। गर्ल्स ये टॉप 5 प्रोग्राम्स है जो सबको अप्लाई करना चाहिए वर्स्ट केस में। अगर आपके साथ ऐसा कि आपको सिर्फ टॉप 25 में ही जाना है, तो उस केस में आप एस आई बी एम पुणे ये 3 लोगे, फिर एस आई बी एम पुणे, एस सी एम एच आर डी एंड बिजनेस एनालिटिक्स। अब गर्ल्स दूसरी चीज, कभी लोग गलती क्या करते हैं, एस आई बी एम पुणे के नाम को देख के इनोवेशन में डाल देते हैं, इनोवेशन नहीं करना है, इसमें आपका प्लेसमेंट नहीं होता है जनरली, एंटरप्रेन्योरशिप वाला है। तो गैस खाली नाम पे मत जाओ, ठीक है, काफी लोग गलती करते हैं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, एस सी एम एच आर डी में जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाते हैं, ये गैस आपका अगर रेलिवेंट फील्ड नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट, अभी जाओ खाली एस सी एम एच आर डी के नाम पे मत जाओ, गैस प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर गैस कई लोग गलती क्या करते हैं, एस आई बी में एग्री बिजनेस चले जाते हैं, इसका भी स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, और पहले मैं कंफ्यूजन बता रहा हूँ, फिर कुछ लोग क्या करते हैं, एस आई बी एम बैंगलोर का बिजनेस एनालिटिक्स ट्राई करते हैं, बस मैं रिकमेंड जनरली नहीं करूंगा इसको, बाकी आपके ऊपर अगर आपको लगे तो कर लो। और एक कोई क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव फाइनेंस में चले जाते हैं लोग, यहाँ पे देख नहीं रहा क्या, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, ठीक है, कहीं होगा तो वो मत करना गाइस। तो मतलब ये 5 प्रोग्राम मेरे अकॉर्डिंग रेलिवेंट है जो सबको करना चाहिए, बट 5 के 5 नहीं कर पाओगे, थोड़ा कॉस्टली भी 5000 लगेंगे, बट अगर आपको लेना ही एडमिशन, आपको लगता है कि, क्योंकि ये 5 प्रोग्राम आपको 10 लाख के ऊपर मिनिमम पैकेज देंगे। अब आपको अगर टॉप 25 में ही जाना है, तो एस आई आई बी एंड एस आई बी एम बैंगलोर छोड़ दो, बाकी का अभी मत फिल करना इसको। आपका स्नैप का टेस्ट का फॉर्म फिल हो चुका है, ये बाद में भी कर सकते हो ये काम, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज फिलिंग। ठीक है, तो मान लो आपने इन 5 कॉलेज में टिक करा, यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा,
तो नेक्स्ट पेज में आप आगे जाके आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा 5,000 का, एक कॉलेज एक उसका 1,000 है, ठीक है, ये चीज है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बाकी गैस इस बार SIBM नोएडा भी आ गया है, नया है बिल्कुल, तो मैं जनरली कम रिकमेंड करूंगा, बाकी अच्छा करेगा आगे जाके, कर सकता है, ठीक है। तो गैस डिसेंट कॉलेजेस और भी हैं, जैसे SIDDM भी है, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि SIDDM भी डिसेंट है, SSBF भी डिसेंट है, अगर आपको 8 लाख का पैकेज चाहिए तो आप ले सकते हो SIDDM वगैरह, बट अभी मैंने वो कल बताया जो आपको 10 लाख का मिनिमम पैकेज देंगे, ठीक है। बाकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, क्या आप SIDDM अप्लाई कर सकते हो, SSBF अप्लाई कर सकते हो, SCID भी कर सकते हो, उन सब का पैकेज भी 8 लाख के अराउंड है, ठीक है। बाकी गैस एड्रेस ढंग से डाल देना अपना प्रॉपर वे में, एड्रेस ढंग से डिटेल में डालना, स्टेट सेलेक्ट करना, पिन कोड ढंग से डालना, फोन नंबर, मेल आईडी वगैरह डाल देना भाई वाली, ठीक है। तो ये करोगे आप, तो ये आपको समरी दिखा रहा है बार कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है, ठीक है, बाकी आपका ही है। अब यहाँ पे जब आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो नेक्स्ट पेज में आपको पेमेंट करना है आपके कॉलेजेस का, बस, तो आपका 5,000 पेमेंट हो जाएगा अगर आप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो। एक बार पेमेंट हो गया आपका पूरा स्वैप का फॉर्म फिल हो गया, आपको गैस यहाँ पे अलग अलग कॉलेज में जाना नहीं है, NMAT की तरह आपका बस सब कुछ आपको एक ही उसमें हो रहा है, स्नैप में। आपको ऐसा नहीं कि SIBM पुणे की वेबसाइट में जाके वहां कुछ करना है, कुछ नहीं करना, हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये डिटेल प्रोसेस है गाइस, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ, एक बार वीडियो और देखना को डाउट आ रही है तो, ठीक है। बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर तैयारी करनी है तो आप चेक कर सकते हो हम लोग का NMAT स्नैप का डेडिकेटेड कोर्स, जो अभी रिसेंटली 18 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। प्राइसिंग हमने बहुत इकोनॉमिकल रखी है, काफी लोग तो इवन डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इस प्राइसिंग में वी आर गिविंग NMAT स्नैप के मॉक्स जो अलग से 2200 के हैं, प्लस NMAT स्नैप का डेडिकेटेड GDPI कोर्स, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है गाइस, सब कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर में एक प्रॉपर वैरायटी से करूँ गाइस। 10 दिसंबर को मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज हम लोग की टीम से हर कोई एग्जाम देता है हर साल, ताकि हम लोग के मॉक्स एक रेलिवेंट लेवल पे हों, और हर साल हम लोग के मॉक्स रेलिवेंट लेवल पे होते हैं, ठीक है। इस बार का फ्री मॉक भी लाइव हो चुका है गाइस, लास्ट ईयर पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था, मतलब एक तरह से कैट लेवल पेपर आया था, जो जीवन में आज तक कभी आया ही नहीं इसमें पेपर, तो वैसा मॉक्स बना दिए हम लोगों ने, फ्री मॉक आप दे सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर का टॉप 36 मार्क्स था, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस। स्पीड बेस्ड एग्जाम है, स्पीड बेस्ड एग्जाम में आप कैट लेवल के क्वेश्चन दे रहे हो, मतलब टफ करना ही है फिर आपको, कुछ ऑप्शन नहीं उसका, तो गैस लास्ट ईयर जैसा एग्जाम आया उसके बाद लग सकता है कुछ भी हो सकता है इसमें आपने, तो आपको बिल्कुल वर्स्ट केस में जाना है, बट टेंशन ही नहीं, बिकॉज परसेंटाइल वाला खेल है, आपका पेपर टफ गया सबका टफ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी वैरायटी करके जाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। बस लास्ट ईयर क्या हुआ था स्नैप में, अर्थमेटिक के 8-8 लाइन के क्वेश्चन आ गए, 7-7 लाइन के, और बाकी कुछ चीजें सिंपल आई थी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, तो वही है कि वैरायटी करनी पड़ेगी। तो गैस अभी तक अगर एक प्रॉपर वे में नहीं कर रहे तो करो, खाली मॉक दे के बहुत फायदा नहीं होगा अनलेस आपने वैरायटी करी है, इनकेस आपको मॉक्स देने तो आप मॉक्स दे सकते हो, अलग से मॉक्स हम लोग 1299 के हैं, कॉम्बो पैक हम लोग 2200 का है, हर साल 1300 से 1400 लोग मॉक्स देते हैं हम लोगों के। बाकी गैस हम लोग की और कोर्सेस आप देख सकते हो, काफी सारे रिव्यूज आते रहते हैं गैस, मैं कोलेक्ट करने वाले रिव्यूज को, मोर देन 700+ रिव्यूज भी है, ठीक है, तो आप ये रिजल्ट एंड रिव्यूज देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी हम लोग के YouTube पे भी काफी सारा फ्री कंटेंट भी आता है पेड उसके अलावा, ठीक है, तो आप उसको काफी से भी आपको हेल्प मिलेगी। तो गाइज दिस इज माई नंबर, यू कैन व्हाट्सएप है दिस नंबर, एंड मॉक्सोन वेबसाइट है, ठीक है, चलो गाइज ऑल द बेस्ट, बाय बाय।